फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ग्राफिक ज्ञान। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिक ट्विन। अगर आपने ओशन ट्विन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, तो आप प्लीज मेरी मोशन ट्विन की भी वीडियो देखें, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए कि ट्विनिंग कितने टाइप की होती है और कैसे हम यूज करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा क्लासिक ट्विन। क्लासिक ट्विन अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स हमको कोई भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो मैंने यहाँ एक ड्रॉ करके रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड हम जिस भी फ्रेम नंबर पे हमें चेंज करना है, हमने वहाँ F6 प्रेस किया और इसकी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये मैंने पोजीशन चेंज कर दी है सिंपल। अब बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मैं टाइम लाइन में गई हूँ, यहाँ मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और ये आ रहा है क्लासिक ट्विन। मैंने क्लासिक ट्विन अप्लाई किया, जैसे ही मैंने क्लासिक ट्विन अप्लाई किया, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ एक ब्लू सा कलर हो गए सारे फ्रेम के और एरो की बन के आ गई है। यहाँ मैंने क्लासिक ट्विन अप्लाई कर लिया, ये देखिए इस तरीके से होती है आपकी क्लासिक ट्विन अप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है बात की क्लासिक ट्विन की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं। अब हम यहाँ जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ क्लासिक ट्विन में अभी ये हमारा एक ग्राफिक है, ग्राफिक के साथ हमारे पास क्या मिल रही है प्रॉपर्टीज, पब्लिश सेटिंग की मिल रही है अगर हम इसे पब्लिश करते हैं। ठीक है, SWF मिल रही है, ये सब मिल रही है ग्राफिक्स के साथ। अगर हम इसे चेंज कर देते हैं, ये हमारे डॉक में है, अभी फ्रेम में नहीं है, हम इसे फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ चले जाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर और फ्रेम के अंदर। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर हमें बिल्कुल बेसिक्स ही मिल रही हैं। ठीक है, इन सबको मैंने मोशन ट्विन में एक्सप्लेन किया है। अब आ जाते हैं हम फ्रेम के अंदर। जब हम फ्रेम के अंदर आते हैं फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन प्रोवाइड हैं। अब इन सारे ऑप्शन का यूज क्या है हम वो समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लेवल का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ XYZ कोई भी नेमिंग करती हूँ, तो वो नेमिंग आपकी टाइम लाइन पर शो होगी। आप ये देखिए, यहाँ पर एक फ्लैग लग गया है जिससे XYZ लिखा आ रहा है। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपका एनिमेशन बहुत लेंथी है, बहुत लंबा है, तो अगर आपको लेवल लगाने हैं अपने एनिमेशन पर पूरे प्रॉपर, जिससे आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सके, तो आप यहाँ पर उसमें नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, टाइप कमेंट्स और एंकर्स में। यहाँ पर अगर आप कमेंट कर देंगे तो वो उसी के हिसाब से, ये देखिए आप यहाँ पर नाम का चेंज हो गया है, ये कोडिंग में थोड़ा सा यूज होता है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम ले रहा है। अभी हम खाली नेम कर देते हैं इसे। ट्विनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर ही आ जाती हूँ वापस, अब मैं ट्विनिंग में जा रही हूँ, फ्रेम्स में जाकर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसमें फ्रेम्स में जा रहे हैं। ट्विनिंग के अंदर रहता है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आप एक कार स्टार्ट करते हैं, तो कार क्या एकदम से फास्ट चलने लगती है आपके स्टार्ट करते ही। तो आप सोचिए, अगर आप कार स्टार्ट करते हैं तो आपकी कार जो है पहले 10 की स्पीड में रहती है, 20, 40, 80, इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड ईजिंग। जब आप उसे रोकते हैं तो क्या होता है, आप एकदम से 100 पे तो ब्रेक नहीं मार देते ना, या 80 की स्पीड पे तो ब्रेक नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्पीड को थोड़ा पहले कम करते हो, फिर आप उसको ब्रेक करते हो, तो वो क्या होता है, इज आउट। तो सेम यहाँ पर है, हम अपने एनिमेशन में और ज्यादा स्मूथनेस लाने के लिए और ज्यादा बिल्कुल अच्छे से बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी ये सारे इफेक्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है इफेक्ट में क्लासिक ईज, यहाँ से आप ईज इन एंड ईज आउट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नीचे ले जाती हूँ इस तरीके से, ठीक है, और मैं इसे अप्लाई कर देती हूँ, मैंने इसे अप्लाई कर दिया, तो आप देखिए अब ये थोड़ा स्लो स्टार्ट होगा और तेज जा रहा है। ये देखिए मैं यहाँ प्ले करके दिखाती हूँ आपको, स्लो स्टार्ट हुआ, तेज जा रहा है। तो इस तरीके से कभी आप एनिमेशन बना रहे हो और आपको अपने एनिमेशन को इस तरीके से स्मूथ करना है, तो आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो ईज इन एंड ईज आउट की। और हम अभी देख लेते हैं आगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास। लेवल मैंने आपको बताया, ठीक है फ्रेंड, यहाँ अभी मैं सारे ऑफ कर रही हूँ फिल्टर, जिससे मुझे दिख जाए अच्छे से। अगर आपको ईज आउट अप्लाई करना है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल लास्ट फ्रेम पे आके तो नहीं करेंगे ना, उसको एनिमेशन को प्ले होने के लिए आपको कुछ फ्रेम पहले यहाँ पर
अप्लाई करना होगा। देखिए एक चीज आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर अभी मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, इस फ्रेम पे ईज आउट का आ रहा है मेरे पास ऑप्शन, लेकिन अगर मैं लास्ट फ्रेम पे जाती हूँ तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए अगर आप किसी चीज की स्पीड कम कर रहे हैं एनिमेशन में, तो उस एनिमेशन को प्ले होने के लिए आप कुछ फ्रेम तो देंगे, वो तभी तो प्ले होगा। अगर मैं यहाँ पर अब ईज आउट कर देती हूँ, कस्टम पे हमारे पास मिल जाएगा ऑटोमेटिक ऑप्शन भी, मैंने ईज आउट कर दिया, ये देखिए यहाँ पर भी ये धीरे से कम होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसे साइड कर लेते हैं और एक बार प्ले करके देख लेते हैं पूरा एनिमेशन अपना, ये देखिए तेज चला और धीरे खत्म हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने एनिमेशन में अगर आपको स्मूथनेस चाहिए तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ईज इन एंड ईज आउट का। हम अब इसे यहाँ से कुछ अगर आपको रोटेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये यहाँ पर है बॉक्स और मैं चाहती हूँ इसे रोटेट करते हुए लाना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसे क्लॉकवाइज या आपको काउंटर क्लॉकवाइज जैसे भी आपको करना है आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये देखिए अभी ये रोटेट होता हुआ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अपने एनिमेशन को प्रॉपर्टीज की हेल्प से और अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बस आपको सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आप क्लॉकवाइज आपको कितने डिग्री चाहिए, वो सब क्या चाहिए, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, आप नंबरिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। थर्ड आता है साउंड का, अगर आप कोई साउंड यहाँ पर लेके आते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, मैं एक साउंड लेके आ जाती हूँ, देन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। फ्रेंड्स मैंने सॉरी उसी लेयर के ऊपर साउंड इम्पोर्ट कर दिया, हम न्यू लेयर लेके आ रहे हैं और उसके ऊपर मैं एक साउंड इम्पोर्ट कर रही हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ एक साउंड इम्पोर्ट की है। इस साउंड के ऊपर मैं क्लिक करूंगी और प्रॉपर्टीज में जाऊंगी, देन साउंड पे, ये देखिए साउंड की प्रॉपर्टीज एक्टिव हो गई है, यहाँ से आपकी साउंड का नाम आ रहा है। अगर आपके सीन में मल्टीपल साउंड है तो आप यहाँ से उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इफेक्ट के अंदर अगर आपको अपनी साउंड में कोई इफेक्ट डालना है, कि कहीं फेड इन डालना है, कहीं फेड आउट डालना है, ठीक है, कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट कुछ डालने हैं, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से अपनी जो आपकी साउंड है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टार्ट करनी है, स्टॉप करनी है, स्ट्रीम करनी है, तो उससे हमारी साउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, आपको अपनी साउंड कितने नंबर के फ्रेम से रिपीट करनी है या कितने नंबर के फ्रेम से वो लूपिंग में चलती रहे, बार बार चलती रहे, वो सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये रही आप साउंड की प्रॉपर्टीज। कलर इफेक्ट्स में आते हैं हम फ्रेंड्स, कलर इफेक्ट्स के अंदर हमें ये सारी ब्राइटनेस, टिल्ट, अल्फा, ये सब चीजें मिल जाती है। आपको कहीं पर इसके अंदर टिंट अप्लाई करना है या अल्फा अप्लाई करनी है, वो सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अल्फा की कर देती हूँ 0, इस वाले फ्रेम पर मैंने इसकी अल्फा, मैं अभी यहाँ जा रही हूँ, मैंने फ्रेम में सेलेक्ट किया था, फ्रेम सेलेक्ट किया, कलर इफेक्ट में गई मैं, सॉरी यहाँ कलर इफेक्ट में गई, साउंड को हम बंद कर देते हैं और मैंने यहाँ से क्या किया इसकी अल्फा को 0 कर दिया, ये देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट गायब हो गया है। तो आप इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपको कहीं भी कुछ भी इफेक्ट डाल रहे हैं कलर इफेक्ट, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड के अंदर आपको काफी सारे ये मिल जाएंगे ब्लेंडिंग मोड, आप इन सबको अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से तभी दिखेंगे जब आप एक से ज्यादा लेयर पे काम कर रहे हो। फिल्टर्स के अंदर आपके पास, आप इसे ओपन करेंगे प्लस के निशान पे जाएंगे, काफी सारे फिल्टर्स हैं, ये सारे आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर विवल अप्लाई कर रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा तरीके से डेप्थ टाइप में यहाँ पर आ गया, आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और आप फिर इसे एनिमेशन भी देंगे तो ये उसी तरीके से रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए फिल्टर। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई, क्लासिक टू इन हमारी गलती कैसे, वो सब बताया, ठीक है, वॉइस कैसे कंट्रोल करते हैं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आई होप आपके क्लासिक टू इन को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, या आपका कहीं डाउट रह गया है तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।